गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का बुक वर्क पार्ट। बच्चे पेज नंबर 105 पर आपको दो एमसीक्यूज दिए गए हैं। फर्स्ट है द स्टार्स प्लैनेट्स सैटेलाइट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर नोन एज डैश बॉडीज। बच्चे स्टार्स प्लैनेट्स सैटेलाइट्स एस्ट्रॉइड्स को डैश बॉडीज कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेलेस्टियल, सेकेंड है हेवनली, थर्ड है बोथ ऑफ दीज। तो बच्चे इन्हें हम दोनों ही नामों से बुलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज या फिर हेवनली बॉडीज। तो बच्चे इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्टेंसेस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर मेजर्ड इन। बच्चे स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे किस यूनिट में मापा जाता है? तो आंसर है बच्चे लाइट ईयर्स। ओके, दिस इज पेज नंबर 105। पेज नंबर 105। बच्चे नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 106। क्वेश्चन है आपका द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ इज द। बच्चे नॉर्थ में जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला सितारा है वो कौन सा है? आंसर है आपका पोल स्टार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम इज। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मेंबर बताना है, आंसर है आपका सन। बच्चे इस तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो बच्चे उसका आंसर होता है जुपिटर। लेकिन अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, तो बच्चे लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम है सन, क्योंकि सन सबसे बड़ा है, राइट। ये पेज नंबर 106 पर थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अब बच्चे पेज नंबर आप निकालोगे 110। पेज नंबर 110 क्वेश्चन है आपका डैश आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। तो बच्चे आंसर है आपका कॉमेट्स। कॉमेट्स को हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। क्वेश्चन 2 द अनबर्न्ड पार्ट ऑफ ए मीटियोर दैट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ मीटियोराइट। बच्चे जो मीटियर अर्थ के सरफेस में पहुंचने से पहले बर्न नहीं होते हैं, वो अर्थ के सरफेस से टकराते हैं, तो उन्हें हम मीटियोराइट कहते हैं। ये मीटियोराइट अर्थ की सरफेस पर गड्ढे बना देते हैं। बच्चे नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज पार्ट पेज नंबर 110। द यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ वेरी बिग एक्सप्लोजन कॉल्ड। बच्चे जो अर्थ यूनिवर्स है वो एक बिग एक्सप्लोजन से स्टार्ट हुआ था, उसका नाम दिया गया था बिग बैंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे आपका क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस फॉर्म स्टार्स, दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड नेब्यूला। फिल इन द ब्लैंक्स। अ गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है आपका स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, GASES। बच्चे स्पेलिंग आप सही लिखेंगे अपनी बुक पर। थर्ड है द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न्स आर कॉल्ड। जो स्काई में अलग अलग स्टार्स ग्रुप में आते हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर है आपका कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION कॉन्स्टिलेशन। बच्चे फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है आवर अर्थ सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोस्फियर। स्पेलिंग इज ATMOSPHERE। बच्चे नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स। द अर्थ इज़ अ फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। बच्चे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि अर्थ इज़ अ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सेकेंड क्वेश्चन है विनस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। थर्ड फेसेस ऑफ मून आर कॉज्ड ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन। बच्चे थर्ड स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स। कॉमेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द सन बिलोंग्स टू द डैश गैलेक्सी। सन बिलोंग करता है बच्चे मिल्की वे गैलेक्सी में।
सेकेंड है द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज, सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, आंसर है आपका मरकरी बी। स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर वन का बुक वर्क पार्ट था, आप अपनी बुक में इसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में फिल कर लीजिए। थैंक यू।